हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए टॉपिक जो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है आपका आउटपुट यूनिट। इससे पहले वीडियो में हमने आपको इनपुट यूनिट के बारे में बताया था, आज हम आपको बताएंगे आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या होती है, देखिएगा। द आउटपुट यूनिट इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग द प्रोसेस डेटा इन यूजर और वेरिएबल फॉर्म। जो आउटपुट जो यूनिट होती है क्या करती है, डिस्प्ले करती है या प्रिंट करती है डेट, जो भी प्रोसेस डेटा होती है उसको किस तरह से यूजर के रीडेबल फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ हम आउटपुट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर आपका आउटपुट, इट इज मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, इट इज आल्सो कॉल्ड वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को क्या कहते हैं, कह रहा है वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, जो भी यानी मॉनिटर पे डिस्प्ले शो होता है उसको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमने लिख रखे हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। देखिएगा सबसे पहले होता है सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। ये आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा सा मॉनिटर होता है आपका, लुक लाइक एज अ टीवी, जो आपका बिल्कुल टीवी के जैसे होता है बड़ा सा, यानी कि जो डेस्क पे रखा जाता है। सेकेंड आपका है लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, आर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टीएफटी, लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी। तो ये थ्री टाइप्स के जो है मॉनिटर्स हैं, वो भी किसके आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पे। आइए इसमें से हम देखते हैं, बात कर रहे हैं सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब की। इट लुक्स लाइक सा टीवी, दे कॉन्सिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक गन। इन दीज मॉनिटर्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लाइट ऑफ द पिक्सल फॉस्फर डॉट्स विच फॉर्म ऑफ द इनर कोटिंग ऑफ द स्क्रीन। आपको ध्यान रखना क्या, इन दीज मॉनिटर बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स ऑफ द पिक्सल फॉस्फर डॉट्स विच फॉर्म द इनर कोटिंग ऑफ द स्क्रीन। इलेक्ट्रॉनिक्स गन, ये भी ध्यान रखना, दे कॉन्सिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक गन, इसके बारे में बात करनी यहाँ पे सीआरटी। नेक्स्ट आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी मॉनिटर यूजेस द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ध्यान में रखिएगा एलसीडी क्या करता है, लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल डू नॉट एमिट लाइट डायरेक्टली, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी डिस्प्ले इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। जो एलईडी मॉनिटर्स है सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है मॉनिटर की फील्ड में। दीज मॉनिटर्स आर लाइट एमिटिंग डायोड दैट एक्ट एज परफॉर्मेंस बूस्टर इन देम। नेक्स्ट देखते हैं आपका टच स्क्रीन मॉनिटर। अ टच स्क्रीन इज अ स्पेशल मॉनिटर दैट अलाउ द यूजर टू इनपुट इंफॉर्मेशन बाय टचिंग द आइकन आर ग्राफिकली बटन्स प्रेजेंट ऑफ द स्क्रीन। इट इज आल्सो यूज्ड इन एटीएम मशीन। आप लोग जब एटीएम मशीन में यूज जाते हैं तो वहां पे टच करके ही जो है जो स्क्रीन होती है उसको टच करके जो है अपना वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो है आउटपुट यूनिट है जिसका नाम है आपका प्रिंटर। प्रिंटर भी एक प्रकार का क्या आउटपुट है। अ प्रिंटर इज अ पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द आउटपुट ऑन अ पेपर। प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। यानी जो भी प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है पेपर पे जो प्रिंट हो गया उसको क्या कहते हैं, क्या हार्ड कॉपी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और जो मॉनिटर पर जो शो होता है स्क्रीन पर यानी जो कंप्यूटर के अंदर जो फीड रहता है सेव रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्या सॉफ्ट कॉपी, क्या उसको कहते हैं, क्या सॉफ्ट कॉपी, ध्यान में रखिएगा। प्रिंटर आर आप टू टाइप, प्रिंटर जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ध्यान में रखिएगा इंपैक्ट प्रिंटर की जो क्वालिटी है, केवल एक लाइन में हम आपको बता दें, इंपैक्ट प्रिंटर अलाउ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड पेपर। यानी कि जो इंपैक्ट प्रिंटर उसमें क्या होता है, कॉन्टेक्ट रहता है फिजिकली कॉन्टेक्ट प्रिंटर एंड प्रिंटर हेड एंड पेपर के बीच में जाए, दैट इज दे प्रिंट बाय द इंपैक्ट ऑफ डॉट्स वायर ऑन पेपर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड करेक्टर प्रिंटर। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर को क्या भी बोला जाता है, कॉल्ड करेक्टर प्रिंटर। तो कुछ इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपका है क्या, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर आपका क्या, इंपैक्ट प्रिंटर। दे प्रोड्यूस लेटर क्वालिटी डॉक्यूमेंट। द स्पीड ऑफ दीज प्रिंटर वेरीज फ्रॉम 60 CPS यानी करेक्टर पर सेकेंड टू 120 CPS यानी कि ये 60 CPS से 120 CPS तक जो है क्या करते हैं आपका, एक से सेकेंड में प्रिंट करते हैं लेटर्स, करेक्टर्स प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दे आर नॉइजी एंड डू नॉट हैव गुड प्रिंटिंग क्वालिटी।
ये बहुत ही ज्यादा शोर करने वाले थे और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी थी। दे यूजेस अ मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल पिंस टू क्रिएट प्रिसाइज डॉट्स ऑन पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर। द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स रेंज फ्रॉम 50 सीपीएस टू 500 सीपीएस। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी कि 50 सीपीएस टू 500 सीपीएस। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटर का जो टाइप है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा है आपका? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इट डू नॉट अलाउ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्रिंटिंग हेड एंड पेपर। यानी इसमें क्या कह रहा है? डू नॉट अलाउ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन प्रिंटिंग हेड एंड पेपर। और इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या था? फिजिकल अलाउ था आपका प्रिंटिंग हेड एंड पेपर के बीच में, और इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है? नॉट अलाउड है। द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर कैटेगराइज एज थर्मल इंकजेट एंड लेजर। देखते हैं थोड़े से इनमें से जो प्रिंटर्स के प्रकार है वो देखते हैं यहाँ पे। नंबर वन थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर यूज अ स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। द थर्मल प्रिंटर्स आर वाइडली यूज इन बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट सच एज पोर्टेबल कैलकुलेटर्स। नेक्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर। दे प्रोड्यूस इमेजेस बाय स्प्रेइंग टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर। द एवरेज क्वालिटी ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज 30 DPI। यानी DPI का मीन्स क्या होता है? 300 DPI। DPI मीन डॉट्स पर इंच। लेजर प्रिंटर सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर आपका इनमें से है। कौन सा? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर यूज अ लेजर बीम। ध्यान रखिएगा लेजर प्रिंटर क्या करता है? यूज लेजर बीम एंड ड्राई पाउडर इंक टू प्रोड्यूस अ फाइन डॉट्स पैटर्न। दे कैन प्रिंट 10 to 30 पेजेस पर मिनट। यानी जो लेजर प्रिंटर की स्पीड है क्या है? पेजेस में अब आ गई। अब इसकी स्पीड क्या है में आ गई? पेजेस में आ गई। यानी कि 10 से 30 पेज एक मिनट में जो है प्रिंट कर सकता है कौन? लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है आपका 3D प्रिंटर की बात करेंगे यहाँ पे। 3D प्रिंटर देखिए, इट इज यूज फॉर प्रिंट 3D ऑब्जेक्ट। जो भी 3D ऑब्जेक्ट होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए हम 3D प्रिंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस आपका स्पीकर है। आ स्पीकर कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल करेंट इनटू साउंड। स्पीकर में क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ध्वनि ऊर्जा में, यानी किसमें? साउंड में कन्वर्ट करता है स्पीकर के द्वारा। जो है जो भी कंप्यूटर पे जो है आपकी इनपुट वॉइस होती है वो स्पीकर के द्वारा आपको सुनाई देती है, आउटपुट होता है। नेक्स्ट है आपका प्लॉटर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस क्या है आपकी? प्लॉटर। अ प्लॉटर इज अ वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंटिंग डिवाइस विच इंटरप्रेट्स कमांड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर टू मेक लाइन ड्रॉइंग ऑन पेपर विद वन आर मोर ऑटोमेटेड पे। जो प्लॉटर है वो दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरा ड्रम प्लॉटर। ध्यान दीजिएगा, नंबर वन आपका है यहाँ पे फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है देखते हैं। अब फ्लैट बेड प्लॉटर इज ऑल्सो नोन एज टेबल प्लॉटर। ये ध्यान में रखिएगा, जो फ्लैट बेड प्लॉटर है उसको टेबल प्लॉटर के नाम से भी जाना जाता है। It plots on a paper that is spread and fixed over a rectangular flatbed table. Next देखिएगा यहाँ पे drum plotter की बात हम यहाँ पे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, drum plotter क्या होता है आपका? The first scanner was a drum scanner unit introduced in 1957 the US Bureau of Standard by Russell Case। ये point आपको ध्यान रखना है। जो पहला जो था स्कैनर कौन सा? ड्रम स्कैनर 1957 में जो है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के द्वारा रसल क्रिस के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था। अ ड्रम प्लाटर इज आल्सो नोन एज रोलर प्लाटर। ये भी ध्यान रखना है, ड्रम प्लाटर को क्या कहा जाता है? रोलर प्लाटर भी कहा जाता है। और इससे पहले जो फ्लैटबेड प्लाटर था उसको क्या बोलते थे? करा टेबल प्लाटर। उसे क्या कहा जाता है? टेबल प्लाटर यहाँ पे कहा जाता है। और ड्रम प्लाटर को क्या कहा? रोलर प्लॉटर। ध्यान दीजिएगा, दे आर यूज टू प्रोड्यूस कंटिन्यूस आउटपुट सच एज प्लॉटिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी। अर्थक्वेक एक्टिविटी के अगर आपको आउटपुट देना है यानी प्रिंट करना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? ड्रम प्लॉटर। किसका यूज करेंगे? ड्रम प्लॉटर का। अब थोड़ा सा कुछ अन्य कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। सर क्रिस्टोफर लैथम शोस वॉज एन अमेरिकन हु इन्वेंटेड द फर्स्ट क्वालिटी कीबोर्ड। यानी क्वालिटी कीबोर्ड जिसका जो यूज वर्तमान समय में किया जा रहा है QWERTYUIOP इस प्रकार से पहली लाइन है, तो इसका आविष्कार जो है सर क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने किया था। अमेरिकन थे ये, ठीक है, कीबोर्ड का आविष्कार। माउस वाज इन्वेंटेड बाय डगलस इंजलबर्ट। माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस इंजलबर्ट ऑफ स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर इन 1963। ध्यान में रखिएगा, द फर्स्ट लेजर प्रिंटर वॉज इन्वेंटेड एट जीरोक्स इन 1969
इन अमेरिका बाई गैरी स्टार वेदर। ठीक है, अमेरिका में जो है फर्स्ट लेजर प्रिंटर वाज इन्वेंटेड जीरोक्स 1969, अमेरिका के गैरी स्टार वेदर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, इन 1965 जेम्स टी रसल इन्वेंटेड द कॉम्पैक्ट डिस्क। ध्यान में रखें, यानी कि सीडी का आविष्कार 1965 में जेम्स टी रसल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट फ्लैश ड्राइव वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन अर्ली 2000 बाई अ कंपनी कॉल्ड ट्रेक टेक्नोलॉजी। यानी जो फ्लैश ड्राइव जो थी उसको मैन्युफैक्चर किया गया था 2000 के आसपास में, और जिस कंपनी ने किया था उसका क्या नाम कहता था, ट्रेक टेक्नोलॉजी था। इवन आईबीएम मैन्युफैक्चर, यानी आईबीएम बोले तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मैन्युफैक्चर देयर फर्स्ट फ्लैश ड्राइव एट सेम टाइम बाय द नेम ऑफ डिस्क वन की। आईबीएम के द्वारा जो उसी समय यानी 2000 में जो फ्लैश ड्राइव विकसित की गई, जो इंट्रोड्यूस की गई, उसका क्या नाम था, डिस्क वन की थी। तो इस वीडियो में हमने आपको समस्त आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात की। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।